दरभंगा डीएमसीएच परिसर में अब नहीं बनेगा प्रस्तावित नया एम्स। पूर्व विधायक सह राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ने लिया फैसला, डीएमसीएच के बदले अशोक पेपर मिल परिसर में बनेगा एम्स। डीएमसीएच अस्पताल के अस्तित्व को बचाने के लिए बिहार सरकार ने लिया फैसला। वहीं इस फैसले पर पूर्व विधायक ने लड्डू खिलाकर मनाई खुशी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं स्वास्थ्य मंत्री को दिया धन्यवाद। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर बिहार सरकार इतने दिनों तक क्यों सोई थी, जबकि डीएमसीएच परिसर में कार्य प्रारंभ भी हो गया है। कुछ भूखंड पर एम्स निर्माण के लिए कार्य भी प्रारंभ हो गई है। मिट्टी भराई का काम भी शुरू हो चुका है। कुछ पुराने भवनों को तोड़ फोड़ कर हटाया भी गया है। अब सवाल यह उठता है कि इस फैसले के बाद समय कब तक बनता है कि इसका समय सीमा के अंदर निर्माण होगा, तो कई सवाल उठेगा। पूर्व विधायक ने पत्रकारों को दी जानकारी। आपको बता दें कि जिस प्रकार से दरभंगा डीएमसीएच परिसर में एम्स निर्माण के लिए आंदोलन हुआ था, उसके बाद यहां कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन जो फैसला लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जैसा कि पूर्व विधायक भोला यादव ने पत्रकारों को दी जानकारी, अब उसके बाद यह सवाल खड़ा होगा लोगों के बीच में कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया और जो यहाँ प्रस्तावित एम्स था उसे अशोक पेपर मिल पर ले जाया गया है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से यह फैसला लिया गया है कब तक एम्स का निर्माण होता है और कब तक कार्य प्रारंभ होता है और लोगों को कब तक सुविधा मिलती है। वहीं पूर्व विधायक ने स्पष्ट कह दिया कि भाजपा वाले काफ़ी उत्साहित थे, आनन फानन में सरकार को फैसला लेना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि जिस समय में एम्स के लिए फैसला लिया गया उस समय में नीतीश कुमार की ही सरकार थी, अभी भी नीतीश कुमार की ही सरकार है। जब उस समय वो फैसला लिया गया तो अब इस प्रकार के फैसला क्यों लिए गए, कई सवाल खड़ा होता है। वहीं पत्रकारों को भोला यादव ने दी जानकारी, इन्होंने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। का जाल है हमारा, जो खास करके एक कंस्टिट्यूएंसी ही ले लीजिए बहादुरपुर, इसमें 7 धाराएं, क्या काम नहीं हो रहा है? काम हो रहा है। नदी का अपना है, उस जमीन को थोड़ा सा डेवलप और ऊंचा उठा दिया जाएगा। नदी कोई अशोक पेपर मिल हो करके थोड़े बहती है, नदी का तो अपना बहाव है। जब भी बाढ़ का समस्या होता है तो त्राही माम मच रहता है कि अब बांध टूटेगा। ऐसे में क्या तो, लग रहा है? वो तो दरभंगा शहर में भी टूटने की बनी हुई रहती है, क्योंकि दरभंगा शहर का भी जो स्थिति रहता है वो भी रहता है, यदि फ्लड फाइटिंग तरीके से नहीं हो तो दरभंगा शहर में भी पानी घुस जाएगा। ये कोई बात नहीं है, पूरे तरफ पानी आता है, क्योंकि नेपाल से पानी चल करके यहाँ तक आने में घटनाएं तो होते ही रहती हैं। लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं, इससे पहले अशोक पेपर मिल जो चलता था बाढ़ से सुरक्षित था, वो भी सुरक्षित रहेगा, और जब संस्था बनेगी तो उसके सुरक्षा के भी इंतजाम होंगे। वहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है, सरकार को जमीन चाहिए, जमीन मिल रहा है, डेवलप्ड जमीन चाहिए, डेवलप्ड जमीन मिल रहा है। तो उस समय सब जब चयन किया गया होगा तो उस चयन समिति ने क्या ये चीज सारी चीजें नहीं देखी, क्योंकि उस समय भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अभी भी उन्हीं की एडवाइजरी कमेटी। उस समय ऑप्शन पर विचार नहीं हुआ, सीधा हुआ जो जहां डेवलप्ड जमीन है उस पर काम किया जाए, और यहां के खास करके कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे अति उत्साहित में इस तरह का कर दिए, जो नहीं इसी में इसके पास काफ़ी ज़मीन है, बेकार ज़मीन है, इसी को दे दिया जाए, शहर में बन जाएगा, उनके अति उत्साहीपन के चलते ये निर्णय हो गया था। अब सरकार गंभीरता से विचार की, सारे स्थितियों को विचार किया। क्या आपको नहीं लगता है यहाँ पर यदि बनता तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता? क्या आपको नहीं लगता है यहाँ पर इतनी घनी आबादी में एम्स को का निर्माण कराना, फिर उसका हॉस्टल का निर्माण कराना, उतना बड़ा जमात को यहाँ एस्टेब्लिश करना कितनी कठिनाई होती? ये सब चीज़ों पर जब विचार किया गया तो हुआ जो शहर से बाहर ले जाया जाए। पटना भी बना है, शहर से बाहर बना है, और आज वो इलाका शहर से भी अच्छा शहर बन गया। हम समझते हैं हायाघाट का इलाका, खास करके सुरहा तक का इलाका काफ़ी डेवलप्ड हो जाएगा, और कई
व्यवसाय के नए नए रूप मिलेंगे, होटल खुलेंगे, सब कुछ खुलेंगे, क्योंकि लोगों को ठहरने के लिए जगह चाहिए। ये इस मामले में उस इलाका का बहुत विकास होगा और ये विकास कहीं ना कहीं दरभंगा का विस्तारीकरण होगा। खास करके दरभंगा जिला, समस्तीपुर जिला, मधुबनी जिला और सटे हुए नेपाल के जो जिला सब है, खास करके मधुबनी जिला से सटे हुए, वहाँ के लोगों के लिए खुशी का दिन है। जो हम लोगों का सबसे पुराना अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिसका कि अस्तित्व एक राजनीतिक के तहत ख़त्म किया जा रहा था, उसको एक क्लिनिक के रूप में परिवर्तित किया जा रहा था, वो उसका अस्तित्व पुनः बहाल रह गया। साथ ही साथ जो एम्स दरभंगा को मिला था, उस एम्स के लिए भी उचित स्थान मिल गया। अर्थात पहले का जो योजना था उसमें था जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो ज़मीन है उसमें से 200 एकड़ ज़मीन एम्स को दिया जाएगा और दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक क्लिनिक का रूप हो जाएगा। 27 एकड़ मात्र ज़मीन बच रहा था दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास, जो कि एक मेडिकल कॉलेज के पैमाना के हिसाब से भी काफ़ी कम था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है और उससे खास करके दरभंगा ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके का के लोग आह्लादित हैं। अब एम्स का निर्माण अशोक पेपर मिल वाले जो भूभाग है, बड़ा सा भूभाग है, उसमें से एक भाग काट करके एम्स को दिया जाएगा और वहां पर एम्स बनेगा। ये सैद्धांतिक सहमति हो गई है, आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है और यहाँ भी जो काम शुरू हो गया था एम्स का, उसको तत्काल रोक दिया गया है। और हम समझते हैं ये जो निर्णय हुआ है इससे दोनों महाविद्यालय, दोनों जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व कायम रह जाएगा और दोनों तोहफा के रूप में हो जाएगा। अब जो हमारा DMCH है उसका विस्तारीकरण होगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नए नए प्रोजेक्ट दिए हैं, 2-3 और नए बिल्डिंग बनने वाले हैं, उसके लिए भी जो ज़मीन खाली हुआ है उसमें नया बिल्डिंग बन जाएगा और एम्स का भी विस्तारीकरण होगा। खास करके यहाँ का जो ट्रैफिक व्यवस्था था अभी ही चरमर है और यदि एम्स बन जाता तो इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना यहाँ के ट्रैफिक के हिसाब से, रोड के हिसाब से काफ़ी कठिन था। अब जब अशोक पेपर मिल कैंपस में जाएगा तो बड़ा सा ट्रामा सेंटर भी बनेगा, वहाँ ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, दूर दराज के लोग वहाँ आएंगे। और सबसे बड़ी बात है जो भारत सरकार ने जो नया जो रोड दिया है वो रोड का भी अलाइनमेंट वही है तो उससे भी जुड़ जाएगा, तो दूर दराज के लोग खास करके समस्तीपुर उधर चले आए, वैशाली, उसके लोग भी आसानी पूर्वक एम्स में इलाज कराने आ पाएंगे। इसलिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है और हम समझते हैं आप मीडिया के साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज़ को दिखाने में, जो नई DMCH का अस्तित्व बचना चाहिए और एम्स भी बनना चाहिए। अब दोनों काम ये होने जा रहा है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से और ख़ास करके पूरे दरभंगा वासियों की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ, महागठबंधन के साथियों की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ जो ये सराहनीय कार्य और ये सूझबूझ वाली कार्य किए हैं। क्या बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति हो गई है? केंद्र सरकार की सहमति सिर्फ एम्स देने का है, जमीन देना था बिहार सरकार को और जमीन की उपलब्ध कराना था बिहार सरकार को, वो जमीन बिहार सरकार उपलब्ध करा दी है तो निश्चित तौर से जहां जमीन उपलब्ध होगा वहीं बनेगा।